ऐतिहासिक शैक्षणिक साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज। पॅनासॉनिक एव्होनिक्स कॉर्पोरेशन या जगातील इनफ्लाइंट एंगेजमेंट अँड कनेक्टिव्हिटी सोल्युशनच्या आघाडीच्या कंपनीने आज भारतातील पुणे येथे नवीन सॉफ्टवेअर डिझाईन व विकास केंद्राचे उद्घाटन केले आहे। 1980 स्थापन करण्यात आलेली पॅनासॉनिक एव्होनिक्स सर्वसमावेशक अनुभव देते, जे एअरलाइन्सना त्यांच्या प्रवाशांशी कनेक्ट करत इन फ्लाइट अनुभवांमध्ये क्रांतिकारी बदल घडवून आणत आहे आणि नवीन युगातील विमान प्रवासासाठी इन फ्लाइट एंगेजमेंट अँड कम्युनिकेशन सिस्टीमच्या मूल्यांना नव्या उंचीवर घेऊन जात आहे। जगातील 200 अधिक आघाडींच्या एअरलाइन्सनी त्यांच्या एअरक्राफ्टमध्ये पॅनासॉनिक एव्हिएशनचे इन फ्लाइट एंगेजमेंट सॅटेलाइट वायफाय कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल सेवा इन्स्टॉल करण्याचे ठरविले आहे। पॅनासॉनिक एव्हिएशनकडून नवीन सॉफ्टवेअर डिझाईन केंद्राचे उद्घाटन प्रमुख उपस्थिती म्हणून माननीय नागरी विमान वाहतूक व सहकार राज्यमंत्री श्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले। पॅनासॉनिक एव्हिओनिक्स कॉर्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के एन सेन आणि पॅनासॉनिक लाईफ सोल्युशन इंडिया व साऊथ एशियाचे अध्यक्ष तसेच पॅनासॉनिक एव्हिओनिक्स इंडियाचे संचालक श्री मनीष शर्मा यांनी उद्घाटन समारोहामध्ये त्यांचे स्वागत केले। हर्ष हो रहा है कि मेरे चुनाव क्षेत्र के नजदीक देश के इस सबसे वाइब्रेंट शहर में आपने जो ग्लोबल कैपेबिलिटी का सेंटर खोला है, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। इस सेंटर में 400 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करने वाले हैं। आज मुझे लगता है कि 200 लोग आज ही से ही काम करने वाले हैं। आगे जाके जास्ता एक्सपेंशन होने वाला है। पुणे एक ऐसा शहर है जहां संस्कृति और तंत्रज्ञान दोनों की पूजा होती है। ये देश का एक ऐसा शहर है जहां अभिजात मनोरंजन के पर्याप्त साधन है। इस शहर में इनफ्लाइट मनोरंजन के बारे में तकनीकी तौर पर कुछ बन रहा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है हम सभी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने विकसित भारत का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए हर क्षेत्र को अपना योगदान देना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि भारत में एविएशन सेक्टर का काफी विस्तार हो रहा है। अगले 5-7 साल में देश में नए 1000 एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। 2040 तक 2040 में तब तक 1000 और एयरक्राफ्ट देश में आने वाले हैं। ये एयरक्राफ्ट आने से देश में सपोर्ट सर्विसेज और हवाई क्षेत्र के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार गतिमान होगा। पिछले 10 साल में हम देखते हैं तो ये जो हमारा एविएशन सेक्टर है इसमें बहुत बड़ी क्रांति हुई है। पिछले 10 साल में हमारे देश में 75 नवीन हवाई अड्डे बन गए। ये क्षेत्र उन्नति पर है और अभी भी इसमें काफी संभावनाएं भी है। 10 साल पहले भारत के पास केवल 400 विमान थे, 400 एयरक्राफ्ट से, और अब यह संख्या बढ़कर 713 तक बढ़ गई है। पिछले 10 सालों में भारत में हवाई जहाज यातायात लगभग 6 करोड़ से बढ़ गई है। यानी कि 6 करोड़ लोग ज्यादा पिछले 10 साल में बढ़े जो अभी विमान से हवाई जहाज से प्रवास करने लगे।